दाखल झाले. स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल राईट हँडर बॅटर लेविस याची साथ देण्यासाठी. नॉ स्ट्रायकिंग एंडला क्रितिक नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि स्ट्रायकिंग एंडला लेविसचा बॅटर. मागील सामन्यात लेविस याची 49 धावांची खेळी पाहायला मिळाली. हाफ सेंचुरीपासून एक धाव कमी पडली परंतु ती लाजवाब खेळी संघासाठी. एकाकी खिंड त्याने मैदानात लढवली आपल्या संघासाठी. ती खेळी अगदी पूरक देखील पाहायला मिळाली परंतु संघ पराभूत ठरला. दुसऱ्या सामन्यादरम्यान आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा सलामीची जोडी दाखल झाली. स्ट्रायकिंग एंडला लेविस असेल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला क्रितिक आणि गोलंदाजी मार्कवरती. या इनिंगची सुरुवात करण्यासाठी रायटा मोर द विकेट चंदन पाहायला मिळतं कॅन्टिंग एड कडून. पहिला चेंडू सुंदर फटका एक्स्ट्रा कव्हरला फटका खेळा कव्हर ड्राईव्हचा फटका. थोडस आउटफील्ड धीम्या गतीची आणि त्याचमुळे या चेंडूवरती मिळतील मोल दोन धावा. पहिला चेंडू उजव्याष्टीच्या बाहेर त्यावरती कव्हर ड्राईव्हचा फटका लेविसच्या बॅट मधून आणि दोन धावाने धावसंख्येला सुरुवात झाली धावपलकावरती. स्कोरबोर्डवरती या दोन धावा पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त होत असताना पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती लेविस हा बॅटर असेल. यावेळी शफल क्रॉस फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अगदी आवाज देखील मैदानात निघाला गोलंदाजाकडून हिल्ससाठी कॅचेससाठी आवाज परंतु शॉर्ट फायलेगपासून चेंडू दूर पाहायला मिळाला. हाफ चान्स होता परंतु याला कन्वर्ट करण्यासाठी त्याकडून एफर्ट खूप मोठे लावणं खूप महत्त्वाचं असतं. तर धाव चेंडू धावपलकावरती दोन धावा दोन चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. याहीवेळी चांगला चेंडू कुलर लेनची गोलंदाजी. अगदी प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने फेकले जातात. गोलंदाज चंदन याच्याकडून पहिला चेंडू जर पाहिला तर उजव्याच्या बाहेर ठेवला त्यावरती दोन धावा. त्यानंतर ऑफब्रेक चेंडू थोडासा आतमध्ये निघणारा त्यावरती देखील कोणतेही धाव नाही आणि त्यानंतर हा फुलर लेनचा चेंडू. फलंदाज लेविस याला निरुत्तर करणारा निशब्द करणारा चेंडू गोलंदाज चंदन याचा पाहायला मिळाला. धावपलकावरती अजूनही दोन धावा. यावेळी आडव्या बॅटने फटका ऑन साईडला मिड विकेटला चेंडू जाईल एका टप्प्यानंतर सीमारेषा पलीकडे. यावेळी दमदार आणि क्रॅकिंग चौकार लेविसच्या बॅट मधून आणि या चौकाने सांघिक धाव संख्या या स्कोरबोर्डवरती सहा धावा पाहायला मिळत आहेत. हाफ ट्रॅकर चेंडू आणि त्या चेंडूवरती शडाम पुलचा फटका सक्सेसफुल झालाय. मैदानात चौकार मिळाला लेविस या बॅटरला आणि स्कोरबोर्डवरती 6 रन. फर्स्ट ओव्हर इन अ प्रोग्रेस पहिल्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती. फटका मिस टायमिंग झालाय. डीप काकोडाला क्षेत्ररक्षक त्यांना झेलचा प्रयत्न परंतु नो मॅच स्लॅड मध्ये चेंडू विसावला गेलाय. तीन क्षेत्ररक्षकांचा प्रयत्न परंतु हे प्रयत्न अपयशी ठरले. मैदानात सिंगलने सांघिक धावसंख्या पुढे सरकेल धावपलकावरती 7 रन या स्कोरबोर्डवरती. पहिल्या इनिंगचा खेळ मैदानात चालू असताना क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय मैदानात सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघ. आणि पहिल्या षटका दरम्यान चंदन याची देखील अगदी प्रभावित करणारे गोलंदाजी. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट झाले आणि यावेळी स्ट्राईक एंडवरती प्रथमच क्रितिक हा बॅटर पाहायला मिळतोय. यावेळी फलंदाज क्रितिकला माघारी परतावं लागेल. बॅटची लेमन कट विकेट किपरच्या हातामध्ये सोपं झेल आणि फलंदाज क्रितिक ठरलाय गोल्डन डकचा शिकार. पहिला धक्का बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला सागिक धावसंख्या धावपलकावर 7 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. विराजचं कमालीचं झेल यष्ट्यांच्या मागे कामगिरी. एक विकेट मिळवली चंदन याने कॅच पकडण्यात आलाय विराजच्या विकेट किपर कडून. सेन स्ट्रायकरसाठी पहिला धक्का प्राप्त करून दिलाय गोलंदाज चंदन याने. पहिली विकेट जी लवकर मिळणं खूप महत्वाचं असतं क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला ते विकेट मात्र प्राप्त झाले पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान. ते महत्वपूर्ण हे षटक आणि संघाचा प्रमुख गोलंदाज चंदन याने हे विकेट प्राप्त करून दिले. थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ संघर्ष करतो या पूर्ण स्पर्धेदरम्यान. पहिल्या विजयाच्या शोधात मागील सामन्यादरम्यान देखील मोठी धावसंख्या उभारली परंतु त्या धावसंख्येचा पाठलाग देखील प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाने यशस्वीरित्या केलाय. त्यानंतर पुन्हा एकदा महत्वपूर्ण सामना मैदानात पाहायला मिळतोय सीएस स्ट्रायकर संघाच्या विरोधात. पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालंय आणि गोलंदाजीत देखील बदलाव पाहायला मिळतोय. त्याचप्रमाणे क्षेत्ररक्षण देखील विस्तारले गेले. ऑन साईडला तीन क्षेत्ररक्षक थर्टीया सर्कलच्या बाहेर ऑफ साईडला एक्स्ट्रॅकवर तैनात डीप लॉंग ऑफ तैनात. ऑन साईडला लॉंग ऑन डीप काकोडा स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या मध्ये एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय.
30 या सर्कलच्या आतमध्ये पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग शॉट थर्ड मॅन फाईनली एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाजी मार्गवरती परवेश हा गोलंदाज कॉमेंट बॉक्स सेंड करून राईट आर्म ओव्हर द विकेट असेल. पहिला चेंडू ऑन साईडला खेळला मिस टायमिंग फटका मिड विकेटला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक मेल फक्त सिंगल या चेंडूवरती आणि सिंगल प्राप्त करत असताना सांघिक धावसंख्या आता मात्र धावपलकावरती 8 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. न्यू बॅटर वन डाऊन बॅटर शैलेश ट्रॅकिंग एंडवरती तिसऱ्या क्रमांकावरती आणि हा क्रमांक देखील तेवढाच महत्वाचा कारण फटका ताकदवर प्रॉपर टायमिंग डीप का कोणाला चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे दूरवरचा षटकार शैलेशच्या बॅट मधून निघालाय आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या देखील 14 रन 14 धावा या धावपलकावर. बॅटच्या स्लॉट मध्ये डिपॉझिट केलाय डीप का कोणाच्या प्लॉट मध्ये ताकदवर फटका प्रॉपर टायमिंग देखील या फटक्यामागे शैलेशाच्या बॅट मधून हा तडाखेबंद षटकार मैदानात पाहायला मिळालाय. गोलंदाज परवेश याच्या विरोधात सांघिक धावसंख्या 14 धावा हा तिसरा क्रमांक नेहमीच रन मशीन म्हणून संबोधले गेले. तिसरा क्रमांक यावेळी मिस टायमिंग फटका टॉप एच लागलाय विकेट किपर त्यानंतर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक आणि अंतिम क्षणी जर पाहिलं तर पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकासाठी हे झेल साधं सोपं बनलंय. कमालीचा झेल फलंदाज माघारी परतेल शैलेश ज्याने मागील चेंडूवरतीच षटकार खिचला होता परंतु तत्नंतर विकेट मिळवली दमदार कमबॅक करत असताना सर्वेश याने नरेश झेल खाली संघाचा आयकॉन खेळाडू आणि क्षेत्ररक्षणात देखील अगदी महत्वपूर्ण झेल कमालीचा झेल अंतिम क्षणापर्यंत चांगले जजमेंट आणि साधं सोपं झेल पकडत असताना शैलेश याला माघारी परतवण्यात आले. विकेट मिळवली गोलंदाज सर्वेश याने दुसरा धक्का बसलाय दुसरी विकेट गमावली श्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाने सांघिक धावसंख्या 14 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. क्रिकेट हा खेळ सोपा वाटतो ज्यावेळी आपल्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोन आणि बळकट आत्मविश्वास असतो. सेल्फ कॉन्फिडन्स खूप महत्वाचा फलंदाजी करण्याच्या संघासाठी कारण 2 विकेट लवकर कमावले सांघिक धावसंख्या देखील 14 धावा या धावपलकावरती आणि नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होत असताना स्ट्राइक एंडवरती असेल. चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा ब्लॉक होलमध्ये चेंडू फेकलाय खोदून काढलाय समोरच्या दिशेने मिडऑफला चांगले क्षेत्ररक्षण होईल आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या देखील 15 रन या स्कोरबोर्डवर लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर प्रोग्रेस दुसऱ्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावरती 2 गडी बाद होत असताना 15 धावा या धावपलकावर पाहायला मिळतात. प्रथम फलंदाजी करतो या फर्स्ट इनिंग दरम्यान थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ. आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मंगेश मडगावकर सर यांचं देखील हिंदीचं सुंदर समालोचन अगदी सुमधुर समालोचन या स्पर्धेदरम्यान त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. यावेळी खराब चेंडू दिशाहीन चेंडू आउटसाइड लेग स्टंप चेंडू खूपच बाहेर फेकलाय पंचाचा इशारा आलाय वाईडचा अतिरिक्त धाव मिळाला संघाच्या एक्स्ट्रा मध्ये आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या देखील 16 धावा 16 रन या स्कोरबोर्डवरती. वेगात चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न गोलंदाज सर्वेशाचा परंतु शरीरावरचं नियंत्रण बिघडलं आणि त्याचमुळे अतिरिक्त धावा खर्च होत आहेत. चांगला चेंडू वापसी करत असताना खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकल्या हलक्या त्याने स्टीयरचा फटका समोरला खेळला मिडॉनला क्षेत्ररक्षक डीप मधून आले तोपर्यंत एक धाव्या चेंडूवरती या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 17 रन 17 धावा या धावपलकावर. चांगल्या चेंडूला सन्मान देणे खराब चेंडूवरती आक्रमण करणं हे क्रिकेटचं परिसूत्र मैदानात पाहायला मिळते. लोअर फुल टॉस चेंडू ताकदवर फटका खराब चेंडूवरती डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे दमदार असरदार ब्रँडेड सीपीएल षटकार बॅटरच्या माध्यमातून. मयूरच्या बॅट मधून हा तडाखेबंद फटका अफलातून फटका 6 धावांसाठी आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 23 रन लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 2 ओव्हर्स. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय सांघिक धावसंख्या 23 धावा या धावपलकावर. मयूर मैदानात आक्रमण करतोय अटॅकिंग फलंदाजी मयूरच्या बॅट मधून एक षटकार पाहायला मिळाला. फुलटॉस चेंडू
खराब चेंडू आणि त्यावरती मोठा प्रहार, ते फुलटॉस चेंडूवरती टोल वसूल केलाय, 6 धावांचा षटकार निघालाय. अंतिम चेंडूवरती सर्वेशियाच्या विरोधात 23 धाव्या धावफलकावरती अंकित होत आहेत. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात कँटिंग एंड कडून गोलंदाजी मार्कवरती, दुसरं षटक घेत असताना गोलंदाजी मार्कवरती जेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाकडून सुरज पाहायला मिळतोय. विराज गोलंदाजी मार्गवरती, तिसरं षटक विराज गोलंदाजी मार्गवर जेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघाकडून आयटम ओवर द विकेट समोर असेल. आडव्या बॅटने फटका, ताकदवर फटका, पॅरेलल फटका, मिड विकेटच्या वरून चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे, 6 धावांचे. पहिला चेंडू उजव्या स्टीच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न, तो आडव्या बॅटने हा फटका खेळला, दमदार फटका, 6 धावांसाठी षटकार निघाला लेविसच्या बॅट मधून. आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील 29 रन 29 धाव्या धावपलकावर. आक्रमण लेविस याचं याही सामन्यादरम्यान, मागील सामन्यादरम्यान 49 धावांची ती लाजवाब खेळी संघासाठी, आणि त्यानंतर याही सामन्यादरम्यान आतापर्यंत तो खेळतोय 15 या धावसंख्येवर. लोअर फुलटॉस चेंडू, मिस टायमिंग फटका, स्लिप पॉइंट या चेंडूचा प्रवास कोणते धाव नसेल या चेंडूवरती. कमबॅक करत असताना हा निर्धाव चेंडू या धावपलकावरती, गोलंदाज विराजाचा पहिला चेंडूवरती आक्रमक फटका लेविसच्या बॅट मधून, परंतु तत्नंतर डॉट चेंडू या धावपलकावरती मिस टायमिंग फटका आला. ऑन साईटला मिड विकेटला चेंडूचा प्रवास ट्रॅव्हल करेल चेंडू, तोपर्यंत 1 धाव्या चेंडूवरती. आणि या सिंगलला सांघिक धावसंख्या 30 रन या स्कोरबोर्डवरती. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक फटका, अगदी दमदार षटकार, परंतु त्यानंतर सलगचे 2 चेंडू जर पाहिले तर अगदी योग्य टप्प्यावरती अचूकतेवरती फेकत असताना फक्त सिंगल दिले, सांघिक धावसंख्या देखील 30 रन या स्कोरबोर्डवर. मयूर असेल स्ट्राइकिंग एंडवरती. फ्लोअर वन चेंडू, चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी, गती परिवर्तन केल्या या चेंडूवरती, धीम्या गतीने चेंडू फेकला, आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अंतिम चेंडू चेंडू निर्धाव निघाला. आणि या डॉट चेंडूने सांघिक धावसंख्या देखील या धावपलकावर 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट. शॉर्ट चेंडू ऑफ ब्रेक, ऑन साईडला पुलचा फटका, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक दूर राहिला, चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे गोळीच्या वेगाने, मयूरच्या बॅट मधून यावेळी निघालाय चौकार, या चौकार सांघिक धावसंख्या देखील 34 रन. ऍक्शन रिप्ले मध्ये शॉर्ट चेंडू, पुलचा फटका, इन कटर, आतमध्ये येणारा चेंडू आणि त्यावरती बॅकफुटवरती जात असणारा फटका स्क्वेअर लेगला खेळलाय. मयूरच्या बॅट मधून हा दमदार चौकार, सांघिक धावसंख्या देखील 34 रन. बॅक टू द बॉलर फटका, समोरच्या दिशेने स्टेट डायव्हचा फटका, लॉग ऑफचा क्षेत्ररक्षक आलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न रेविसचा, परंतु अंतिम क्षणी सिंगल मेले या अंतिम चेंडूवरती. आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती अंकित झाले 35 रन 35 धावा, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 3 ओव्हर्स. 2 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिला. या 2 षटकादरम्यान रेविस आणि मयूर याच्या बॅटमधून किती धावा निघतील, प्रतिस्पर्धी अगदी बलाढ्य संघ, त्या संघाच्या समोर मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या इराद्याने मैदानात ही जोडी पाहायला मिळते. पूर्ण स्पर्धेदरम्यान लेविस याची देखील विस्फोटक खेळी, त्याच्या साथीला देखील मयूर देखील चांगलं क्रिकेट खेळतो. 35 रन स्कोरबोर्ड होते, लॉस ऑफ 2 विकेट. चौथ्या षटकाला सुरुवात होईल, स्लॉग षटकांना सुरुवात होईल. आणि गोलंदाजी मार्कवरती राहुल हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. ते निसर्गरम्य कणकोण नगरी, क्रीडानगरी आज दुमदुमले या क्रिकेटच्या रणसंग्रामादरम्यान, क्रिकेटच्या या महोत्सवादरम्यान. आजचा दुसरा दिवस कणकोण प्रीमियर लीग 2024 पर्व तिसरं या स्पर्धेचं क्रिकेटचा अविरहित प्रवाह आपण पाहतोय. सातत्याने मेहनत घेत असताना या खेळपट्टी बनवण्यात आले, त्याचबरोबर हे पोषक मैदान देखील तयार करण्यात आले या ऑर्गनायझर कमिटीच्या माध्यमातून. आणि आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा एक सुंदर स्पर्धा, नियोजनबद्ध, आयोजनबद्ध आणि नियमावलीबद्ध असणारे हे क्रिकेट स्पर्धा, लीग टेबलची क्रिकेट स्पर्धा, परंतु टेनिस बॉल क्रिकेटची एक मोठी स्पर्धा. पहिला चेंडू अक्रॉस बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पॅडला स्पर्श करतो आणि लेग बायचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये
एक्स्ट्राच्या ग्रुपमध्ये एक धाव मेल आणि या सिंगलने सांगे एक धावसंख्या. धावफलकावरती 36 रन. 36 धावा धावफलकावरती. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात स्ट्राईक रोटेट केले. स्ट्राईकिंग एंडवरती यावेळी बॅटर लेविस पाहायला मिळतोय. विकेट खूप महत्वाचे असतील धावा रोखण्यासाठी. डॉट चेंडू देखील तेवढेच महत्वाचे. चांगला चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जर पाहिला तर आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू पिच केला. त्यानंतर देखील बाहेर चेंडू निघाले आणि ऑनसाइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. लेविस याचा निष्फळ ठरतो. अपयशी ठरलाय मैदानात. मेरिटवरती क्रिकेट खेळणं खूप महत्वाचं. ज्या ठिकाणी चेंडू निघतोय त्याच ठिकाणी फटका खेळणं खूप महत्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये. परंतु प्रत्येक चेंडू ऑनसाइडला वळवण्याचे प्रयत्न. खोदून काढण्याचा प्रयत्न. परफेक्ट यॉर्कर ब्लॉक हॉलमध्ये फेकलाय चेंडू. राहुल याने कौतुक करावं तेवढं कमी. आतापर्यंत समोरच्या आक्रमणाला रोखून धरणार हे षटक. राहुल याचं आक्रमण सातत्याने करण्याचा प्रयत्न. समोर लेविस देखील करतोय. परंतु समोरून देखील ते भेदक गोलंदाजी. अचूकतेवरती गोलंदाजी राहुल या गोलंदाजाकडून. आणि क्रिकेटमध्ये ज्या चेंडूला ब्रह्मास्त्र संबोधलं जातं तो परफेक्ट यॉर्कर चेंडू. यावेळी स्लॉटमध्ये चेंडू अक्रॉस द बॅटने ऑनसाइडला फटका. मिड विकेटच्या वरून दूरवरचा षटकार. बॅटर लेविसच्या बॅटमधून निघालाय. ते तडाखेबंद हा षटकार राहुलच्या विरोधात. आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या 42 रन. 42 धावा धावपलकावर. प्रत्येक चेंडू ऑनसाइडला वळवण्याचे प्रयत्न. काही चेंडूंवरती अपयश देखील येते लेविस या बॅटरला आणि काही चेंडूंवरती यश देखील येते. आणि त्यातील हा मोठा फटका मिडविकेटच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार निघालाय. आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या देखील 42 रन. 42 धावा धावपलकावर. लॉक षटक हात खुलले जात आहे मैदानात. अटॅकिंग क्रिकेट खेळलं जाते. पण अटॅक इज प्लेअर ऑफ बेस्ट डिफेन्स. याही वेळी स्लॉट मध्ये चेंडू दीप कावकर्णला डिपॉझिट होईल प्लॉट मध्ये. आणि बॅक टू बॅक षटकार. बॅटर लेविसच्या बॅट मधून निघताना पाहायला मिळतात. सांघिक धावसंख्या देखील वेग पकडत असताना धावपलकावरती परावर्तित झाली. 48 रन. 48 धावा या धावपलकावर. बॅक टू बॅक षटकार. मागील षटकार मिड विकेटला. त्यानंतर समोर चेंडू फेकलाय आणि त्यावरती फटकार डीप कावकोड्याच्या वरून. ते बेधून न करणारे हे षटकार लेविसच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक. आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या देखील 48 रन. 48 धावा धावपलकावर. राहुल याच्या विरोधात काउंटर अटॅक केलाय. दबाव अतिरिक्त वाढलाय राहुल याच्यावरती. पण स्लॉग षटक आणि त्या स्लॉग षटका दरम्यान आक्रमण अपेक्षित ते पाहायला मिळतंय. याही वेळी आडव्या बॅटने फटका. दीप कावकोडाला क्षेत्ररक्षक तैनात जरूर परंतु प्रेक्षक बनू राहील. सलग 3रा षटकार. षटकारची हॅट्रिक लेविसच्या बॅट मधून. आणि सांगे एक धावसंख्या धावपलकावरती आता मात्र. 54 रन. 54 धावा. 2 गडे बाद होत असताना खेळ समाप्त झालाय 4 षटकांचा. किसीने बड़ी कमाल की बात कही है कि चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि काबिलियत से चमकते हैं. काबिलियत वाली फटकेबाजी मैदान. बैटर लेविस करते हैं सलग से 3 षटकार. सांघिक धावसंख्या 54 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन 4 ओवर. लेविस खेळतोय 34 रन्स वरती. आतापर्यंत 34 धावांची त्याची ही खेळी. याही सामन्या दरम्यान मागील सामन्या दरम्यान 49 धावांची खेळी. ती लाजवाब फटकेबाजी. आणि त्यानंतर याही सामन्यादरम्यान 34 रनवरती तो खेळतोय वैयक्तिक. त्याची साथ देतोय मयूर. तो देखील आक्रमण मैदानात करतोय. आणि दोन्ही एंडने आक्रमण रोखण्यासाठी या अंतिम षटकादरम्यान टीम मीटिंग लागल्यानंतर गोलंदाजी मार्गवरती कोणता गोलंदाज असेल. स्कोरबोर्डवरती 54 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. 54 धावा त्या धावपलकावरती. ज्यावरती ज्यावेळी विश्वास स्वतःवरती दर्शवला जातोय त्यावेळी ती आपली ताकद बनते. तोच विश्वास दुसऱ्यावरती दर्शवला जातो त्यावेळी ती आपली कमजोरी. विश्वास मैदानात दाखवलाय स्वतःच्या मनगटावरती फलंदाज लेविस याने. आणि आक्रमण मैदानात करतोय. अंतिम षटक डेथ ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्गवरती राहुल पाहायला मिळतोय. समोर असलेला मयूर हा बॅटर पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी. या षटकादरम्यान 54 धावा या धावपलकावरती. आतापर्यंत या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर आणि अंतिम षटक या पहिल्या इनिंग दरम्यान. पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर. बॅटचा साऊंड मैदानात क्रिएट झालाय. लेमन कट लागले. चेंडू विसावलाय विकेट किपराच्या हातामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवले. हाफ ट्रॅकर चेंडूवरती गोलंदाज राहुल याने. मयूर माघारी परतेल डगआउटचा शिकार बनेल. 3रा धक्का बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. सागिक धावसंख्या धावपलकावर. या स्कोरबोर्डवरती
54 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. चंदन याच्याकडून कमालीचं हे जेल, यष्ट्यांच्या मागे तो कामगिरी करतोय. चंदनने कॅच पकडली, राहुल याने विकेट मिळवली संघासाठी डेथ ओव्हरमध्ये पहिल्या चेंडूवरती. आणि आता मैदानात असेल लेविस याची साथ देण्यासाठी. राहुल हा बॅटर, बॅटल असेल राहुल टू राहुल. गोलंदाजी मार्गवरती राहुल आणि फलंदाजीसाठी देखील राहुल हा बॅटर. या दोन राहुलमध्ये हे बॅटल असेल. या चेंडूवरती पहिला चेंडू फेस करेल समोरून स्ट्राइकी एडला, सज्ज झालाय तो राहुल हा बॅटर. पहिला चेंडू कटचा सुंदर फटका, कव्हर पॉइंट, पॉइंटच्या मधून डीप कव्हरला चेंडू खेळला, रक्षक फील्ड करेल. चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे चार धावांसाठी. मिस फिल्डिंग मैदानात पाहायला मिळेल. चित्ररक्षक आणि चेंडू यामध्ये रेस लागली आणि या रेसमध्ये चेंडू विजयी ठरलाय. चौका डीप कव्हरला, डीप कव्हर पॉइंटला आणि या चौकाने सागिक धावसंख्या 58 रन या स्कोर बोर्डवरती. राहुलच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवरती ती नजाकत भरा कटचा स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका चार धावांसाठी. शॉर्ट चेंडू समोरच्या दिशेने फटका, वायडिश खेळाय डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षकाला सिंगल या चेंडूवरती मिळेल. या सिंगल प्राप्त करत असताना सागिक धावसंख्या 59 रन 59 धावा या धावपलकावरती. राहुल 5 या धावसंख्येवरती आणि स्ट्राइकवरती यावेळी लेविस पाहायला मिळतोय. तो खेळतोय आतापर्यंत 34 रन्सवरती 34 या धावसंख्येवरती. 15 चेंडू त्याने फेस केले या इनिंग दरम्यान. ऑन साईडला फटका, धावगेड्याचा प्रयत्न देखील कोणताही झाला नाही. विश्वास स्वतःवरती दर्शवतोय लेविस हा बॅटर. त्याला माहित आहे माझ्या बॅटमध्ये ताकद तेवढी आहे, मोठे फटके खेळण्यासाठी क्षमता देखील आहे. गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी मैदानात त्याने स्ट्राईक घेत स्वतःवरती ठेवले. चार चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. अंतरिम 2 चेंडू या पहिल्या इनिंग दरम्यान बाकी. आडव्या बॅटने फटका, डीप कावकोडला क्षेत्ररक्षक, त्यांना एक धाव पूर्ण झाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न स्ट्राइकिंग एंडला फेकी आले. इथे विकेट सॅक्रिफाईस केली जाईल लेविस या बॅटरसाठी. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मिळेल फक्त सिंगल या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांगिक धावसंख्या 60 रन 60 धावा या धावपलकावरती. चौथा फलंदाज माघारी प्रयत्न, फोर्थ विकेट डाऊन. चौथा गडी डगआउटच्या दिशेने रवाना झाला. अंतिम चेंडू या फर्स्ट इनिंग दरम्यान लास्ट बॉल असेल आणि लेविस स्ट्राइकी एडला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न लेविस याचा असेल आणि याचसाठी स्ट्राईक देखील घेतली स्वतःवरती. लास्ट बॉल फर्स्ट इनिंगचा स्ट्राइकिंगला लेविसचा बॅटर. 35 वरती तो खेळतोय. 17 धावा चेंडू फेस करत असताना हाफ ट्रॅकर चेंडू पुल मिस टायमिंग झालाय, अनसक्सेसफुल ठरलाय. विकेट किपर चंदन झेल खाली, अंतिम चेंडूवरती विकेट मिळेल. सांगिक धावसंख्या पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ धावपलकावरती जोडतोय. 61 रनचं टार्गेट असेल. सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघासमोर पहिल्या इनिंगचा खेळ झालाय समाप्त. 60 रन लॉस ऑफ 5 विकेट स्कोअर बोर्डवरती. आफ्टर कम्प्लिशन 5 ओव्हर्स 5 षटकानंतर 60 धावा 61 रनचं टार्गेट असेल सेन स्ट्रायकर क्रिकेट संघासमोर. आणि या टार्गेटचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती जोडले जातील मंगेश मडगावकर सर या सेकंड इनिंग दरम्यान. त्याच्यानंतर जी मॅच जातली मांडवी परिवार वर्सेस चंदन तस्कर. मागता दोन्ही कॅप्टना लागी कॉमेंट्री बॉक्साकडे रिपोर्ट करपाक. मांडवी परिवार वर्सेस चंदन तस्कर.
धन्यवाद डीजे. पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रदर्स ने 60 रन बटोरे, 61 रनों का लक्ष्य रखा है सीएन स्ट्राइकर के पास. उस लक्ष्य का बोझ अपने कंधों पर लेके आए चंदन धुरी और उदित. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उदित और स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं चंदन धुरी. पहली ओवर पावर प्ले और गेंदबाज का भार संभाल रहे हैं थ्री ब्रदर्स की ओर से प्रवीण भगत. इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है मांडवी परिवार और चंदन तस्कर. प्रवीण की पहली गेंद लेफ्ट-हैंडेड बल्लेबाज के लिए का लक्ष्य है बार स्टंप के थोड़ी सी बाहर करवट लेती हुई गेंद. छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी उदित ने, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ. डॉट निकालने में कामयाबी पहली ओवर पावर प्ले पहली गेंद डॉट निकाली है बढ़िया फेंकी है प्रवीण भगत ने. फिलहाल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट टल पर एंड से और फील्डिंग में भी हर किसी परिवर्तन होते हुए सर्कल के अंदर पॉइंट है कवर है एक्स्ट्रा कवर है गली है शॉर्ट फाइंड है वेयर. इस बार खेल तो दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डिप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा तब तक मौका था उदित के पास एक रन चुराने का. एक रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल करते हुए उदित अब स्ट्राइक है चंदन धुरी के पास. 61 रनों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पार करना है तो चंदन को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. एक बड़ा लक्ष्य है और एक बहुमूल्य मैच है ये सीएन स्ट्राइकर के लिए. ये मैच जीतना है सीएन स्ट्राइकर को तो चंदन को मैच में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. बढ़िया गेंदबाजी तो की है इस मैच में चंदन धुरी ने लेकिन उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि कानकुन के नामवंत बल्लेबाजों में आपकी गणना की जाती है. फिलहाल फील्डिंग में भी थोड़े से परिवर्तन होते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया है. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को भी सर्कल के अंदर बुलाया है. लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी रखा हुआ है चंदन धुरी के लिए. बार बल्ले का ऊपरी किनारा लेके गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में और पहली गेंद पर चंदन धुरे वापस लौटते हुए पहला झटका. चंदन तो वापस चले गए हैं पेविलियन में बिना कोई योगदान देते हुए अपने टीम के लिए. अब चंदन का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज विशांत और सफलता प्राप्त की है प्रवीण ने. बड़ी सफलता प्राप्त की है चंदन के रूप में सफलता प्राप्त की है प्रवीण भगत ने. पर बढ़िया गेंद थी पैड को तो टकराई है गेंद शॉर्ट स्क्वायर पर फील्ड होती हुई बैट को लग के गई है गेंद
एक रन चुरा लिया, एक रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल किया। स्कोर हो चुका है 2 रन 1 विकेट चली गई। अब स्ट्राइक आया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के पास, 61 रनों का लक्ष्य है सीएल स्ट्राइकर के पास। तो ये भी पहली ओवर जारी है, पावर प्ले ओवर जारी है। अब आई है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उदित, फुल टॉस गेंद, पॉइंट और कवर के ऊपर से तो मोड़ दिया है, फील्ड भी होती हुई डिप पॉइंट पर, मौका था उदित के पास 2 रन चुराने का, 2 रन चुरा भी लिया और 2 रनों के साथ इजाफा भी होता हुआ स्कोर में 4 रन हो चुके हैं। अगली गेंद प्रवीण की, इस बार जगह बनाना चाहते थे, टिप्पा के ऑफस्टंप के बाहर करवट लेते हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट और डॉट के साथ ही साथ पहले ओवर की समाप्ति एक सफल ओवर समाप्त होती हुई त्रि प्रदर्स की ओर से प्रवीण भगत की, और स्कोर है 4 रन 4 रन 1 विकेट। पहली ओवर तो खत्म हो चुकी है, 1 विकेट चली गई है सीएल स्ट्राइकर की, स्कोर है 4 रन, 61 रनों का लक्ष्य पार करना है। अब दूसरी ओवर लेके आए त्रि ब्रदर्स की ओर से, खुद कप्तान है त्रि ब्रदर्स के लेविस बारेटो, और स्ट्राइक पर है विशांत। पहली गेंद थी बड़ा प्रहार करते हुए काव कॉर्नर के क्षेत्र में, उस गेंद को खेल दिया है विशाल ने 6 रनों के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उस गेंद को बड़ा प्रहार करते हुए छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है विशाल ने। छक्के के साथ स्वागत किया है लेविस बारेटो का विशाल ने, अरे मैच जितना है तो विशांत को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, डट के खेलना पड़ेगा इसे विकेट पर। 61 रनों का लक्ष्य है, अभिजीत तो स्कोर हो चुका है डबल फिगर में, 1 विकेट तो चली गई है। इस बार टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी जरूर विशाल ने, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। बढ़िया कलेक्शन विकेटों के पीछे गतिक द्वारा डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए, बढ़िया वापसी करते हुए लेविस बारेटो। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर लेविस, राइट आर्म ऑफ द विकेट, बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद, और अंपायर का इशारा भी आता हुआ यहाँ पर वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर हो चुका है 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट खोकर 11 रन बटोरे हैं सीएल स्ट्राइकर ने। बार प्रहार तो किया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद तो चली गई है सीमा को चीरती हुई 6 रनों के लिए, हल्की सी उछाल थी, उस उछाल को नापा बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की है विशांत ने, छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में भी तेजी आती हुई, स्कोर हो चुका है 17-17 रन। काफी बढ़िया माहौल, तेज धूप और उतनी ही खूबसूरत
हवा बहती हुई इस ग्राउंड ग्राउंड पर। फिलहाल अपने आपको संभालते हुए लेविस तैयार अपने बॉलिंग मार पर। इस बार भी प्रहार तो किया है विराट के क्षेत्र में, फील्डर थे वहां मौजूद और सीधी चली गई है फील्डर के दस्तानों में और दूसरे विकेट का पतन यानी विशांत वापस जा रहे हैं पेविलियन में निराश मुद्रा से। धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को खेला था मिडाउन की दिशा क्षेत्र में। डीप मिडाउन पर खिलाड़ी मौजूद थे और डीप मिडाउन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और दूसरा झटका देने में कामयाबी हासिल की है सीएन स्ट्राइकर को विशांत के रूप में। लेविस की अगली गेंद सफलता के बाद इस बार आते आते ही बड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी भावू ने यानी नरेश ने। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, शरीर को टकराई गेंद, गेंद चली गई गली के क्षेत्र में। फील्ड होते हुए रन की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी दूसरी ओवर जारी है। प्रगति पर है गेंदबाज लेविस तैयार अपने बॉलिंग मार पर। राइट आर्म और देखिए नए बल्लेबाज नरेश के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बार दिशाहीन गेंद और अंपायर बाबू का इशारा आता हुआ यहाँ पर। वाइड अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में सीएन स्ट्राइकर के 18 रन 18 रन हो चुके हैं। दो विकेट चली गए, विशांत और चंदन वापस चले गए। बार बढ़िया गेंद ब्लॉक वो लाइन गेंद, उस गेंद को समझ नहीं सके, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। तीसरा झटका लगता हुआ सीएन स्ट्राइकर को नोरो गेंद रूप में। नरेश वापस जा रहे पेविलियन में, तीसरा झटका लगता हुआ इस ओवर में और ओवर की भी समाप्ति होती हुई दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद तीन विकेट चली गई है सीएन स्ट्राइकर की और स्कोर है 18-18 रन और मैच जितना है तो 61 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा सीएन स्ट्राइकर को। दो ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 18 रन 3 विकेटें चली गई है। पहले चले गए थे चंदन बिना कोई योगदान देते, उसके बाद चले गए है विशांत और उसके बाद चले गए नरेश बिना कोई योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। मतलब 3 विकेटें 18 रन। अब गेंदबाज का पार संभाल रहे गणेश, स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उदित। आते आते प्रहार तो किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है, सीधी चली गई ग्रतिक के दस्तानों में और अंपायर ने उस गेंद को नो घोषित कर दिया है। जीवन दान मिल चुका है उदित को, एक रन तो चुरा लिया, एक रन और नो, कुल मिला के 2 रनों का इजाफा होता हुआ। इस मैच के बाद जो मैच होगी वो मांडवी परिवार और चंदन तस्कर के बीच में, मैं दो ही कप्तानों को दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए। फिलहाल अगली गेंद फ्री हिट गेंद, तेज गेंद, बल्लेबाज को भी चकमा दिया गेंद।
कीपर को भी चकमा दिया। एक रन तो चुरा लिया बाई के रूप में और अंपायर ने उस गेंद को भी नो घोषित कर दिया। कुल मिला के 2 रनों का इजाफा होता हुआ और फ्री हिट अभी भी मौजूद। तो 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 22 रन, यानी 22 रन 3 विकेट चली गई है। तीसरी ओवर प्रगति पर है, 2 ही गेंदें फेंकी थी, 2 ही अतिरिक्त चली गई यानी 9 फेंकी है गणेश ने। और कुछ बताते हुए कुछ समझाते हुए प्रवीण भगत गणेश को, फिलहाल गणेश तैयार राइट आर्म राउंड विकेट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उदित के लिए। फ्री हिट का मौका है, हाथ खोलने का मौका है उदित के पास। बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद चली गई है शॉर्ट फाइंड क्षेत्र में। फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा 1 रन चुरा लिया है उदित ने। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ खाते में। अब स्ट्राइक आया है दिवेश के पास। कल के दिन बढ़िया बल्लेबाजी की थी उदित ने। इस मैच के बाद जो मैच होगी वो मांडवी परिवार और चंदन तस्कर, प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन, दो ही कप्तान, प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन, मांडवी परिवार कैप्टन प्लीज। बार बल्ले का ऊपर ही किनारा लेके गेंद चली गई है थर्मेन क्षेत्र में। थर्मेन द्वारा ही थोड़ी सी मिसफील्डिंग, मौका था रन चुराने का, रन चुरा लिया है। रन चुराने के बाद इजाफा होता हुआ स्कोर में, 24 रन हो चुके हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर है और मैच जीतना है तो 61 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा सीएन स्ट्राइकर को। अब स्ट्राइक आया उदित के पास। अरे मैच जीतना है तो उदित को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे क्योंकि तीसरी ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद और 2 ओवर आपके पास है। स्कोर है 24 रन, 61 रनों की आवश्यकता है आपको मैच जीतने के लिए, लक्ष्य है आपके पास। ऑफ स्टंप के काफी बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा भी आता हुआ यहां पर वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मांडवी परिवार कैप्टन प्लीज। इस बार खेल तो दिया है मिडॉन के क्षेत्र में, जीवनदान मिल चुका है उदित को प्रवीण भगत द्वारा। 1 रन चुरा लिया, 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। 1 रन का 26 हो चुका है स्कोर। अभी भी तीसरी ओवर प्रगति पर, स्ट्राइक आया दिवेश के पास। पर बड़ा प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है दिवेश ने 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, उस गेंद को दिशा दिखाई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्कोर में थोड़ी सी तो वृद्धि होती हुई, 38 रन हो चुके हैं, 3 विकेट चले गए। बड़े बल्लेबाज 32 रन हो चुके, 32 रन हो चुके। तीन विकेट तो चली गई है, 61 रनों की आवश्यकता है। गणेश फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। बार खेल तो दिया है डीप मिडॉन के ऊपर से, मोड़ दिया है देवेश ने 6 रनों के लिए। पहली गेंद खेली थी मिड विकेट के ऊपर से और दूसरी गेंद डीप मिडॉन के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया है देवेश ने 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ स्कोर में तो वृद्धि हो चुकी है और स्कोर हो चुका 38 रन।
बाद फिर एक बार तैयार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, धीमी गति की गेंद, उस गेंद को खेला जरूर है कवर के क्षेत्र में। मौका था देवेश के पास दो रन चुराने का, दो रन चुरा भी लिया और दो रनों के साथ स्कोर हो चुका है 40 रन। तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरे ओवर समाप्त होने के बाद 3 विकेट तो चली गई है और स्कोर है 40 रन। तीन ओवर खत्म हो चुके और तीन ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 40 रन। मैच जीतना है तो 61 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा सीएन स्ट्राइकर को। 3 विकेट चली गई है सीएन स्ट्राइकर की, चंदन, नरेश और विशांत जो बड़े बल्लेबाज थे वो वापस चले गए हैं पेविलियन में। फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ट्रैक पर है, उदित गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं। थ्री ब्रदर्स की ओर से कृतिक पागी, बारह गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए सीएन स्ट्राइकर को। कृतिक तैयार अपने बॉलिंग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उदित के लिए। बार खेल तो दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर संतोष वहां मौजूद है और सीधी चली गई है संतोष के दस्तानों में और पहली गेंद पर पहली सफलता प्राप्त करते हुए कृतिक पागी। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज असफल रहे, कैच आउट होकर वापस जा रहे पेविलियन में। 40 रनों पे चौथा झटका लगता हुआ सीएन स्ट्राइकर को। उदित तो वापस चले गए हैं पेविलियन में, उदित का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज राहुल और पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करने के बाद फिर एक बार तैयार कृतिक अपने बॉलिंग मार्ग पर। 40 रनों पे 4 विकेट चली गए, 21 रनों की आवश्यकता है 11 गेंदों में सीएन स्ट्राइकर को। यार फिर एक बार कृतिक आते आते खेल तो दिया है डिप स्क्वायर के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद थे, कोशिश की थी कैच पकड़ने की लेकिन असफल रहे। जीवन दान दे चुके हैं राहुल को, 1 रन चुरा लिया, 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 41 रन। अब 20 रनों की आवश्यकता, स्ट्राइक चला गया देवेश के पास। अब तक तो बढ़िया बल्लेबाजी की है देवेश ने, डूबते हुए डोलारा को संभालने की कोशिश कर रहे, डूबते हुए नाव को संभालने की कोशिश कर रहे देवेश। बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए कृतिक पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास कृतिक का बढ़ता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी फेंकते हुए कृतिक फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट देवेश के लिए। फुल टॉस गेंद, प्रहार तो किया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जा रही है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी और उस खराब गेंद का पूरा समाचार लेते हुए देवेश छक्के के रूप में उस गेंद को तकदील किया है मिड विकेट के ऊपर से और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हो चुका है 47 रन। 47 रन लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
47 रन हो चुके और 14 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए सीएन स्ट्राइकर को। रनों के साथ स्कोर हो चुका है 47 रन, 4 विकेट तो चली गई है और 14 रनों की आवश्यकता है सीएन स्ट्राइकर को ये मैच जीतने के लिए। ग्रतिक अपने आप को संभालते हुए तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और विकेट डैमेज के लिए। बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ सीएन स्ट्राइकर के खाते में 48 रन हो चुके हैं, 4 विकेट चली गई है सीएन स्ट्राइकर की। 48 रन, फिर एक बार तैयार ग्रतिक अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और विकेट देवेश के लिए। होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं देवेश, बार कवर की दिशा में मोड़ तोड़ दिया है, डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा देवेश को। एक रन के साथ इजाफा होता है 49 रन हो चुके हैं स्ट्राइकर के। अब स्ट्राइक है राहुल के पास, एक जीवन धाम तो मिला है इसी ओवर में, स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, पैड को टकराई गेंद गली के क्षेत्र में जाती हुई गेंद फील्ड भी होती हुई फील्डर द्वारा, तब तक मौका था एक रन चुराने का, एक रन चुरा लिया, अंपायर बाबू नायक का इशारा भी आता हुआ लेग बाय के रन के रूप में रन जुड़ चुका है सीएन स्ट्राइकर के खाते में। एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 50 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आखिरी बॉल लेके आए मयूर और स्ट्राइक पर है राहुल, 6 गेंदे शेष है और 11 रनों की आवश्यकता है सीएन स्ट्राइकर। एक बड़ी मैच है ये सीएन स्ट्राइकर के लिए और स्ट्राइक पर है राहुल। छह गेंदे 11 रन, स्कोर है 50। बढ़िया गेंद, तेज गेंद खेलने की कोशिश की थी राहुल ने, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए मयूर। काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, 5 गेंदे शेष है और 5 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए सीएन स्ट्राइकर को। अगली गेंद मयूर की, राइट आर्म द विकेट राहुल के लिए। बार खेल तो दिया है राहुल ने, गेंद तो चली गई है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जा रही है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को बढ़िया पिक किया बल्ले के बीचों बीच लिया और टाइमिंग भी सही हासिल की है राहुल ने, चक्के के रूप में उस गेंद को तकदील करते हुए। चक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई, स्कोर हो चुका है 56 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रोमांचक स्थिति में जाती हुई ये मैच, 4 गेंदे शेष है और 4 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए सीएन स्ट्राइकर को।
पहली गेंद तो डॉट निकाल दी थी, उसके बाद बड़ा प्रहार किया है मिड विकेट के ऊपर से, राहुल ने छक्के के रूप में तब्दील किया है। अब चार गेंदे शेष है और चार गेंदों में पांच रनों की आवश्यकता है। बार टिपा के लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद, उस गेंद को देखा और जाने दिया कीपर के दस्तानों में और अंपायर ने उस गेंद को वाइड घोषित कर दिया। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ एक रन कम होता हुआ, यानी 57 रन होते हुए चार रनों की आवश्यकता है चार गेंदों में सीएन स्ट्राइकर को। धीमी गति की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, उस गेंद को समझ नहीं सके, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। अब तीन गेंदे शेष है, तीन गेंदों में चार रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। नौ स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं देवेश, एक सेट बल्लेबाज है, कुछ बताते हुए राहुल को तीन गेंदे चार रन, रोमांचक स्थिति। पार वुक तो कर दिया है, गेंद चली गई है फाइंड को पार करती हुई छह रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ ये मैच जीते सीएन स्ट्राइकर ने। चार विकेट जाने के बाद चंदन गए थे बिना कोई योगदान देते हुए, उसके बाद नरेश भी गए बिना कोई योगदान देते हुए, विशांत ने तो बल्लेबाजी की थी 13 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए, उसके बाद बढ़िया बल्लेबाजी की है, तारीफ करने जैसी बल्लेबाजी की है देवेश ने और उस बल्लेबाज के बदौलत जीत की ओर मोड़ा है देवेश ने। अब मैच जो होने जा रही है मांडवी परिवार और चंदन तस्कर के बीच में टॉस हो चुकी है,